नमस्कार, इस सी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जुगसलाई के कपड़ा गोदाम में लगी आग से लाखों के कपड़े जलकर नष्ट होने की। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत जुगसलाई नया बाजार रोड में शुक्रवार देर रात कपड़ों के गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य के कपड़े जलकर बर्बाद हो गए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन करीब डेढ़ घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बता दें कि जुगसलाई के नया बाजार रोड स्थित कपड़ा गोदाम में शुक्रवार देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम मालिक एवं आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू करने के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी आग लगने की सूचना दी, लेकिन इसके करीब डेढ़ घंटे बाद अग्निशमन विभाग का दमकल घटनास्थल पर पहुंचा एवं आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखे लगभग सारे कपड़े जलकर नष्ट हो चुके थे। स्थानीय लोगों में अग्निशमन विभाग का दमकल नहीं पहुंचने को लेकर काफी आक्रोश देखा गया। हालांकि इस अग्नि दुर्घटना में गोदाम मालिक को कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी तक नहीं हुआ है, किंतु आग लगने से लाखों रुपए मूल्य के कपड़े जल जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे जुगसलाई थाना के एएसआई जकी इमाम ने बताया कि जुगसलाई नया बाजार स्थित कपड़ा गोदाम में आग लगने की सूचना पर वे लोग जुगसलाई फाटक से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर घटनास्थल तक पहुंचे। बाजार में आग लग गई है, दमकल को हम लोग फाटक से लेकर आए हैं और उसके बाद अभी जांच हो रही है। सुबह ही कपड़े के गोदाम है तो जांच के बाद पता चलेगा। पराखा लगा सुनाया लगा। और दिन भर के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।